सो टुडे इज़ द राइट डे. बीच में कुछ ज़्यादा शूट करने के लिए मिला नहीं, क्योंकि कल दिवाली थी और दिवाली में थोड़ा सा इन्जॉय ज़्यादा कर रहे थे. शूट मैंने किया नहीं, इसलिए दैट्स वाई अभी टाइम हो चुका है 7:30, क्योंकि 8 o'clock मिलने का डिसाइड किया, क्योंकि जयपुर ही जा रहे हैं तो जयपुर जाने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है. इसलिए थोड़ा सा लेट चल रहे हैं और आराम से चल रहे हैं, क्योंकि ठंड भी कम होगी फिर दिक्कत भी कम होगी. और हमें थोड़ा सा ये भी देखना था स्मोक वगैरह की दिक्कत ना हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं था. और बाकी बाइक रेडी हो चुकी है, और जैसे आपको पता होगा मैं इस बार KTM ड्यूक लेके जा रहा हूँ, अपनी BMW नहीं लेके जा रहा हूँ. और अनफॉर्चुनेट रीज़न था, जो भी था, टायर में इशू था, जो भी है उसको सोल्व कराएंगे, तो नेक्स्ट टाइम शायद उसको ही लेके जाएंगे. बट अभी फ़िलहाल तो हम KTM पे जाने वाले हैं, बट KTM पे भी मज़ा आने वाला है, ऐसा नहीं है. और काफ़ी कुछ होने वाला है, ड्यून बैशिंग वगैरह भी करने वाले हैं, क्योंकि ड्यून पे जाने वाले हैं. वहाँ पे आप सोच रहे हो जयपुर में ड्यून, हाँ डेफिनेटली वहाँ पे ड्यून है. जयपुर से ही आपको ड्यून मिलने से स्टार्ट हो जाता है, आपको लोकेशन का पता होना चाहिए. बाकी जैसलमेर में तो सबको पता होता है. बाकी टाइम जैसे मैंने बताया 7:30 हो गई, ज़्यादा डिले ना करते हुए निकलते हैं. सो चलिए चलते हैं. अभी सब कुछ बंद है, जैसे कि आप देख रहे हो उसे बंद होना ही था. 7:45 हो गए होंगे, प्लस आज संडे भी तो है, गुड़गांव संडे को दिन बंद रहता है, तो आपको पता चल ही गया होगा मैं गुड़गांव में हूँ. यहाँ से रूट लेने वाला हूँ मैं मानेसर, वहाँ पे जाके मिलने वाला है मुझे कौन, सैम राइडिंग विद पीस. यहाँ पे इतना ट्रैफिक मिलता है डे टाइम में, क्योंकि काफ़ी बार आधा जाता रहता हूँ, सो खाली देख के मज़ा आ रहा है. वैसे संडे वाले दिन इधर से वैसे निकलना कम ही होता है, मैं ज़्यादातर एम्बियंस मॉल पे जाता हूँ. बट जैसे डिसाइड किया था कि हम मानेसर टोल में मिलने वाले थे, तो कि शॉर्टकट मारते हैं यहाँ से निकलते हैं, जिससे कि काफ़ी टाइम बच जाएगा. और मैं थोड़ा बहुत घर से थोड़ा लेट चला, क्योंकि दिवाली वाला दिन था कल, तो रात को आपको पता ही है काफ़ी लेट हो जाता है. रात को मूवी देखने लग गया था, इसलिए काफ़ी लेट हो गया था. रीच टोल प्लाजा और सैम से बात हो गई है, और बस थोड़ा सा पहले हूँ, हैशटैग लोग नहीं डालता हूँ, अपडेट कर दिया. और अभी मैं क्या करता हूँ, अपने कोको को ऑन करता हूँ, कोको इसी पे है, इससे कनेक्ट करता हूँ और फिर अपने ट्रिप स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. सो सैम इज़ हियर फाइनली, और अभी हम जा रहे हैं छोटी सी राइड पे, छोटी ही है वैसे, लॉन्ग राइड कहेंगे बट छोटी वाली लॉन्ग राइड. और बाकी इस लगेज सिस्टम देख रहे हो, सैम का लगेज सिस्टम देख रहे हो कैसे लगा रखा है. बातें करते हैं और फिर निकलते हैं. बातें किस लिए करनी है कि प्लान डिसाइड करना ना, कैसे क्या करना है. आज थोड़ा ट्रैफिक कम है, पता नहीं क्यों, दिवाली के बाद की बात है या संडे की बात है. संडे को तो यार ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बाकी छुट्टियाँ चल रही होंगी, घर पे होंगे, इसलिए वे भी नहीं निकल रहे होंगे. आराम से क्रूज कर रहे हैं 90-100 पे. सूरज निकल के आ गया है, वैसे मैंने लाइनर पहन रखे हैं, तो मौसम जैसे जैसे ठीक होगा ना, छोटा ठीक मतलब गर्मी की तरफ चलेगा, तो लाइनर निकाल दूंगा. अभी वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइनर पहनने के बाद भी, अच्छी वाली ठंड है. जब भी लाइनर के बाद मुझे ठीक लग रहा, नहीं तो मुझे पसीने जब भी आ जाते हैं. सैम को शायद पेट्रोल डलाना है, ऐसा ही लग रहा है मुझे. मैं उसको चाय के लिए इशारा कर रहा था, वो कह रहा पहले फ्यूल डलवा लेते हैं उसके बाद. अब वो रुक रहा है तो मैं भी डलवाऊँ या ना डलवाऊँ, क्योंकि मेरा तो ऑलमोस्ट फुल है. 70-80 किलोमीटर चला है, तो कितना फुल होगा, हाफ से तो ज़्यादा ही होगा. और यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, तो उस पर पेट्रोल अवेलेबल नहीं था, तो इस पर आगे इस पर तो मिलेगा. हाँ ये कह रहा आ जाओ, अब रुके हैं तो मैं भी डलवा ही लेता हूँ यार, डलवा लेना चाहिए. पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद भी डलवा ही लेंगे एक बार, तो डलवा ही लेता हूँ. रुके हैं तो फुल कर देना है. 300 का आ गया, सही आ गया यार, 320 कर दो. मुझे उम्मीद नहीं थी इतना आ जाएगा, पर चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. कोई सही सा दिखे वहीं रुक जाना. सो टेकिंग ए स्मॉल लिटिल ब्रेक, चाय के लिए सोचा था पर चाय नहीं ले रहे हैं, लस्सी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मन नहीं कर रहा था, लस्सी दिखाई देगी तो लस्सी लेते हैं. बाकी सैम लेने वाला है खाना, पराठे ले रहा है और चाय पी रहा है. चाय अभी तो वैसे मतलब आई नहीं है ले, मतलब खाने के लिए रेडी है बैठा हुआ है. नहीं लस्सी पी के नींद नहीं आती भाई मुझे. अच्छा. मुझे लस्सी पी के अच्छा लगता है. बाकी अपनी बाइक देख रहे हैं फुली लोडेड है, और आज हम कैंपिंग करने वाले हैं. अपनी चेयर रखी हुई है, सबसे पहले चेयर पर बैठने का मन है, क्योंकि इन्वेस्ट किया इसमें तो मन करता है कि बार बार चेयर को यूज़ करूँ, क्योंकि यूज़ होती नहीं है, कैंपिंग पे यूज़ होती है. तो कैंपिंग मैं कभी कभी ही करता हूँ, बट सैम के साथ जब भी आने का हो जाए तो लगता है कि कैंपिंग कर ही ली जाए. ये अपनी लस्सी आ गई है, सैम भाई के पराठे, और अभी चाय रहेगी ना, चाय रहेगी कुल्हड़ वाली, कुल्हड़ वाली चाय रहेगी. बट फुल ज़्यादा कर लिया, जिसमें पीने में दिक्कत आने वाली है. वो कह रहा है पैसे पूरे दे रहे थे कि लस्सी भी पूरी लो. बट इतनी भी मत भरो ना कि पी ही ना जाए, गिर जाएगी. सैम की चाय फाइनली आ गई है. कितना वेट हुआ? बहुत ज़्यादा, मतलब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद लास्ट में आ जाएगा.
भूल गए थे, भूल ही गए थे मैं लस्सी, फिर भूल गए। बाकी मेरा पराठा आ गया मेरा। सही है, सैम वाले मिर्च ज़्यादा थी, मन चखा था, बहुत ज़्यादा तीखा था। अब वो कल सुबह पता लगेगा मुझे। ड्रोन शॉट के लिए इधर आए थे पर समझ में नहीं आया कि अच्छा नहीं आएगा शॉट, तो डिसाइड किया आगे चलते हैं और फिर कहीं और लेते हैं ड्रोन शॉट, यहाँ नहीं बनेंगे। और वैसे भी पुलिस का बूथ बना हुआ है यहाँ पे, तो दिक्कत हो सकती है। इस बूथ की बात कर रहा था मैं। तो ड्रोन उड़ चुका, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। सैम कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है पता नहीं। बिल्कुल खाली खाली रोड लग रहा है। और क्या कर रहा है बाइक वाला? देख नहीं रहा था, सो गया था, क्या कर रहा था पता नहीं। मैं खाली रोड की बात कर रहा हूँ इसलिए नींद आ गई हो गया पता। यार इतने खाली रोड नहीं दिखाई दिए, ऐसा लग रहा था गर्मियों का टाइम हो और रोड खाली हो जाते हैं ना बिल्कुल गर्मी देख के, ऐसा लग रहा है। बट एक्चुअली में ठंड का टाइम है, दिवाली से नेक्स्ट डे आज 15th of November और रोड बिल्कुल खाली है यार। चलाने में मज़ा आ रहा है, आराम से जो स्पीड चाहे उस पर क्रूज कर सकते हो, ऐसा मज़ा आ रहा है। पीछे मैंने एक ओल्ड टाउन देखा था इस साइड को, अपने लेफ्ट साइड को, जो कि नया ओपन हुआ है। सो मे बी इन फ्यूचर कभी आएंगे तो विजिट करेंगे। लाइनर मैंने निकाल दिया है, मैं बताना भूल गया था आपसे। अभी भी मुझे कम्फर्टेबल लग रहा है, मतलब मौसम अच्छा हो गया है। कहते हैं ना प्लेजेंट वाला वेदर, वो वाला ना, ठंडा ना गर्म, बढ़िया वाला, मस्त वाला। और बाकी हमने किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हाफ जर्नी कवर हो गई है, नहीं तो होने वाली है। किलोमीटर्स का पता ही नहीं चल रहा क्योंकि इतने लंबे लंबे रूट मारने की आदत हो गई है, तो इतना छोटा सा रूट करने में तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा लंबा कुछ कवर करने जा रहे हैं। और सैम की बाइक देख रहे हैं फुल्ली लोडेड, ऐसे पैन या टॉप बॉक्स, मुझे वैसे मज़ा नहीं आता ऐसे फुली लोडेड हो, पर थोड़ी सहूलियत ज़रूर हो जाती है, बट थोड़ा मज़ा चलाने का ख़राब हो जाता है। मतलब क्या बताऊँ, इन्जॉय नहीं कर पाते, खुल के इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। सो ओल तो मैं वैसे पैनियर लेके आया हूँ, बट KTM पे ना ज़्यादा लगेज कैरी करने का ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए पैनियर लगवाने पड़े थे मुझे। BMW पे हो जाता है मैनेज किसी ना किसी तरीके से, बाकी देखते हैं। टॉप बॉक्स लगा रखा है BMW में, कभी मन करेगा तो पैनियर भी लगवा लेंगे। एडवेंचर राइड पे निकलते हो ना, असली जो एडवेंचर करने निकलते हो ना, उसमें पैनियर सूट नहीं करते हैं। हाईवेज राइड पे है ना पैनियर का मज़ा होता है, सामान निकालने और डालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इतनी कंफर्टेबल तो नहीं है KTM, पहले आदत थी जब चलाने की ज़्यादा तो ठीक था। BMW की आदत हो गई है तो पैर भी थोड़े बहुत दुखने लग जाते हैं। हाँ थोड़ा सा पैर दुख रहे हैं, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं। इस रोड पर चले जा रहे हैं और ऐसे व्यूज़ आए जा रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु रुकने का मन कर रहा है एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हमने हमारे फर्स्ट ब्रेक के बाद कर लिए हैं कवर। और 15 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डिसाइड किया रोकने के लिए, अरे रोक रहे, हाई स्पीड, इधर रोको, साइड में रोको, चलो, हम तो निकले। ये स्पीड वाली मशीन रखी हुई है, बाइक वालों को नहीं रुकवा रहे। वैसे भी हम स्लो थे, काफ़ी ज़्यादा स्लो थे, रुक गए थे यहाँ पे। जयपुर कुल 70 किलोमीटर, 69 दिखा रहा है एक्चुअली में। अब 69 बोला नहीं आता हिंदी में, 70 मुंह से निकल ही जाता है यार, क्या करें। ये आपके साथ भी होता है, पहले ये भी चीज़ें बड़ी मुश्किल से सीखी थी हिंदी में बोलना, पर काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी जगह ना हिंदी से ही काम चलता है। बाकी यहाँ पे आते तो बंदर वगैरह बहुत देखने के लिए मिलते हैं। मैं सोच रहा था ये एरिया आया नहीं है, हम जयपुर के पास जाते जा रहे हैं, क्या एरिया सरक गया क्या? पहाड़ भी काफ़ी आए राइट साइड में पहाड़ आते हैं, उसके आसपास ही आता था ये संजय वन करके कुछ एरिया है ये। सो अभी काफ़ी सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद है फिर भी आप मेरी वीडियो पसंद है और आप देखते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो क्यों नहीं कर रखा मुझे आई डोंट नो, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब यहाँ पे हम टी ब्रेक लेते हैं, आपके लिए ड्रोन शॉट लेते हैं। सो मैं तो आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप ड्रोन शॉट एंजॉय करिए, मिलते हैं ऐसी वीडियो में। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बाय।